हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए हर रोज़ की तरह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अगर आप अपने मोबाइल को एक कंप्यूटर की तरह बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे, उसको आप कंप्यूटर का लुक कैसे दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर में नीचे लिखा होता है स्टार्ट बटन, देखा होगा आपने डेस्कटॉप पे लिखा होता है नीचे स्टार्ट, इस तरह से, या फिर कुछ भी उसका कोई भी फंक्शन आप कैसे उसको यूज करते हैं कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, उस तरह से मैं आपको मोबाइल में ही बताऊँगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और इसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर जाकर क्लिक करें। उसके बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली भविष्य में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, आप सभी वीडियो को देखकर अपना नॉलेज को इंक्रीज कर सके और अपने मनोरंजन और ज़्यादा कर सके। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाएगा कि आप अपने मोबाइल को एक कंप्यूटर का लुक कैसे दे सकते हैं। जी हाँ, और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके लिए आपको एक ऐप्स इंस्टॉल करनी होगी और ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो एक बार बोलता हूँ मैं आपसे कि इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा, तभी आपकी कुछ समझ आएगा। वरना आप क्या करते हैं कि वीडियो का जो हमारे ऐप्स का नाम होता है, ऐप्स का नाम सुना और ऐप्स पर लिंक पर क्लिक कर और ऐप्स डाउनलोड कर ली, फिर आपकी यही कमेंट आती है कि समझ नहीं आया और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मैं एक बार फाइनली बोल देता हूँ आपको कि प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखें। तो यहाँ पर ऐप्स का नाम होगा और इसका आइकन भी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टास्क बार। ठीक है ना, टास्क बार, ये नई अभी ऐप्स लॉन्च हुई है प्ले स्टोर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर आपने पहले से यूज किया है तो इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ इसमें फीचर्स और जुड़कर आए हैं, ये अपडेट हो गई है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको आपको बता देता हूँ ये क्या करना होगा। इसके लिए आपको जैसे ही ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ वहाँ पर उसको जो अलाउ कर देना, इसको हम अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप नीचे मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर मेरा फ़ोन, कॉन्टैक्ट, मैसेज, ऐप्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको गोल गोल नज़र आ रहा होगा, जैसे आपको कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर नज़र आता है। चलिए यहाँ पर मैं इस पर जैसे गोल सा नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कंप्यूटर में सभी हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वे यहाँ पर आ जाते हैं, जो भी हमने इंस्टॉल किया होता है, ऐसी इसी तरह से जो जितनी भी हमारी ऐप्स हैं यहाँ पर सभी नीचे आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है ना, जितनी भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की होगी वे सभी ऐप्स आपको मेरी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर नज़र आने के बाद जितनी मेरी होगी, चाहे मैं इसमें 2 रखता हूँ चाहे 50 रखता हूँ, वो तो मेरी खुद की मर्ज़ी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सभी ऐप्स मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद एक बार फिर से टास्क बार के अंदर पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग और बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिखा है जर्नल सेटिंग्स, आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा। चलिए यहाँ पर जर्नल सेटिंग पर क्लिक करता हूँ और जो ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट मेनू लेआउट, लेआउट पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, देखो लिस्ट और ग्रिड। अब अगर मैं लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, लिस्ट पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से इस पर नीचे जो आपको यहाँ पर लिखा रहा है इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर लिस्ट किस तरह से आती है, केवल नाम नाम आएंगे, आइकन नहीं आ पा रहे हैं ऐप्स के। चलिए मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद जैसे मैं फिर से बैक करता हूँ और सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है स्टार्ट मेनू लेआउट, इसको मैं सेकंड पर ही क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि वही फीचर इसका अच्छा लग रहा है, वहाँ पर नाम भी आता है और प्लस आइकन भी आता है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी ऐप्स है, क्या किस तरह का आइकन है। चलिए यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद जो आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन, तो जहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आया इस पर हम सेकंड पर क्लिक करते हैं और ये भी इसी के फीचर्स हैं कि आपको किस तरह से ये रोटेट करना है, किस तरह से घुमाना है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप इनको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद फिर बताइएगा। ठीक है, चलो बैक कर लेता हूँ। और जैसे आप तीसरे नंबर पर सर्च बार विजिटेबिलिटी, इस पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप कोई भी करते हैं नेवर शो सर्च बार, या फिर अगर ऊपर कर दे तो यहाँ पर आपको ऊपर करने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन भी आएगा और आपकी ऐप्स भी आ जाएंगी। जैसे कंप्यूटर में आप देखते हैं कि वहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन आता है, प्लस वहाँ पर देखिए नीचे देख रहे हैं ना, ये सर्च का भी ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं कुछ भी, सर्च भी कर सकते हैं, देखो जो भी ऐप्स होगी वही सर्च करना होगा। चलिए यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। मान लीजिएगा मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप आपको दिखा देता हूँ, WHATSAPP व्हाट्सअप, जैसे मैं डन करता हूँ, डन करने तो जैसे यहाँ पर आपने तीसरा ऑप्शन देखा, ऐसे ही चौथा ऑप्शन है, आप इनको ट्राई खुद कीजिएगा एक बार। और सबसे पहली बात यह है कि ऐप्स ये बिना इंटरनेट के ही चलेगी और केवल 1 MB की, केवल 1 MB की ऐप्स होगी, ज़्यादा बड़ी ऐप्स नहीं, ना ज़्यादा लोड लेती। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे अच्छी फीचर इसमें यह है, अगर मान लीजिए आपने कोई वीडियो भी चला रखी है या कुछ भी आप कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो पीछे चलता रहेगा वो चीज़, और यहाँ से आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको अपनी ऐप्स खोल देता हूँ, ये मेरी ऐप्स हुई और फिर सेकंड से खोल ली, देखो मिलगी ना, तो इसलिए से आप पीछे आपकी स्क्रीन नुकी नुकी चलती रहेगी जो भी आपने चला रखा होगा ऐसे के ऐसे ही, और अगर आगे भी आप इसको दोबारा भी चला सकते हैं। तो है ना मजे की ऐप्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब किया तो ऐसी ही मज़ेदार रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।